आज हम लोग अष्टम श्रेणी का प्रयोग करके देखो 1.5 5 का समाधान करेंगे। देखिए पहले ही मैं बता देता हूं, आधा इस वीडियो में पार्ट वन में करेंगे और आधा सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो पहले पार्ट में देखिए करता हूं। तो पहला पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन कि निम्न प्रत्येक की सप्तम एन धनात्मक संख्या सजात निम्न लगी लाठियों की संख्या लिखो। देखिए प्रत्येक में है तो इसमें क्या हो जाएगा 1+5n इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा 2+5n और इसमें हो जाएगा 1+4n इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 4y+2 सेंटीमीटर होने पर परिसीमा ज्ञात करें। तो देखिए पहले हम लोग समझ लेंगे कि परिसीमा ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार हम लोग हल करेंगे। देखिए जैसे कि दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो परिसीमा, तो देखिए असमबाहु तो लिख देंगे पहले समबाहु त्रिभुज का परिसीमा समबाहु त्रिभुज की परिसीमा सीमा। देखिए तीन गुने भुजा की लंबाई होता है, भुजा की लंबाई लंबाई लिख दीजिए यहां पर लंबाई। तो यहां दिया हुआ एक भुजा की लंबाई तो ये दिया हुआ देखिए 4y+2 गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12y, 3 × 2 = 6 ये हो गया आंसर। अब देखिए ये हो गया कितना 2 नंबर। अब तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई है, इस आयताकार का क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए आयताकार का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगता है तो लिख दीजिएगा यहां पे आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या जगह लंबाई गुने चौड़ाई, तो देखिए ये लंबाई दिया हुआ है 8x+3y और इधर दिया हुआ है 8x-3y इतना कर दीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे आप हम लोग। देखिए 8 × 8 = 64 x x x² फिर ये कर देंगे गुना 8 × 24 - 24xy फिर इसको +24xy - 9y² हो गया। देखिए 24 कट गया, क्या बचा 64x² - 9y² ठीक है। तो उसके बाद देखिए तीसरा नंबर देखेंगे। देखिए चौथा नंबर में दिया हुआ है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 3m - 4m होने पर क्षेत्रफल कितना होगा। पहले क्षेत्रफल निकाल लेते, इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो वर्गाकार का क्षेत्रफल, देखिए वर्गाकार का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा वर्गाकार का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा तो क्या हो जाएगा 3m - 4 दोनों गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए देखिए तो 3 × 3 = 9, 9m² फिर से करेंगे तो -4 × 12 एम, फिर इससे इसको कर देंगे
माइनस 4 तिया 12 एम प्लस 16, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 m² माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 24 m प्लस 16, 24 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इतना करने के पश्चात देखिए अब सवाल में क्या बोला है। एम के रूप में एम का मान कितना होगा पर उस क्षेत्र की परिसीमा 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर होगी। हिसाब करके देखें, देखिए पहले परिसीमा बोला है तो वर्ग क्षेत्र का परिसीमा निकालेंगे, वर्ग क्षेत्र की परिसीमा, सीमा 4 × 3 m 4 m, तो गुना कर दीजिए 4 तिया 12, 12 m माइनस 16 m। इसको क्या कीजिएगा, वहां पे 8 दिया था ना, तो 8 के बराबर कर दीजिएगा, तो ऐसे कर दीजिएगा, इसको लिखिएगा प्रश्न अनुसार। बारह एम माइनस 16 बराबर 8, देखिए 12 m बराबर 8 प्लस 16, 12 m 24, तो m बराबर 24/12, दो m का मान कितना हो जाएगा 2, इतना लिख दीजिएगा हो जाएगा। देखिए 5 में निम्न तालिका को पूर्ण करें, निम्न तालिका को क्या करना है, पूरा करना है। तो पहला देखिए दिया गया है कि बीजगणितीय संख्या, बीजगणितीय संख्या इसमें दिया हुआ है योग और वियोग। देखिए पहला कर दिया गया, यहां पे आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे कर दिया गया है, देखिए कर दिया गया, ये भी कर दिया गया। दूसरा नंबर करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे जैसे दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3, तो प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 + 3 कर देंगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसको देखिए इस प्रकार करेंगे हम लोग, देखिए जैसे किसमें दिया हुआ है योग करें, तो योग करेंगे पहले योग कर देते हैं, 1 1 में क्या दिया हुआ भाई, +2 + 3 है ना, तो लिख दीजिए 1 का मान, थ्री स्क्वायर प्लस प्लस 3, तो इसको हल कीजिएगा, देखिए हल कर लेते हैं तो योगफल हो जाएगा। तो सेकंड नंबर का इसको देखिए, यहां पे लिखेंगे 6 a² + 2 - 3 a² + 3 a - 2 a + 3, ठीक। अब देखिए a² a² तो इसमें ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 3 a². अब देखिए a a मतलब कि 3 a में से 2 माइनस a कर देंगे तो क्या जाएगा प्लस a, 3 और 2 + 5 ये हो गया आंसर। अब देखिए फिर क्या है, बोला है वियोगफल, वियोगफल में क्या बोला है 2 में से 1 घटाना है, मतलब क्या करेंगे यहां पे वियोगफल में, ये वियोग में वियोग करें, करें में ये तो योग कर दिए थे, यहां पे योग किए थे, योग करें, अब योग करें में 2 में से 1 घटाया, 1 माइनस कर दिया, ठीक है, तो 1 माइनस करेंगे, देखिए दो ये है -3 a² + 3 a, तो -1, तो 6
ए स्क्वायर प्लस टू। ठीक, इसको देखिए हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहले क्या, माइनस ए प्लस थ्री, माइनस प्लस माइनस, माइनस सिक्स ए स्क्वायर माइनस टू। अब इसमें इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस नाइन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस थ्री ए माइनस टू हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, थ्री में माइनस वन करना है, यहाँ पे थ्री लिख देंगे। देखिए थ्री, थ्री में माइनस वन करना है, थ्री में माइनस वन करना है, तो थ्री यहाँ लिख देते हैं, माइनस कितना था वन, वन वाला। देखिए ये थ्री है, माइनस टू ए प्लस थ्री, माइनस कितना करना वन, तो सिक्स ए स्क्वायर प्लस टू। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, माइनस टू प्लस थ्री माइनस सिक्स ए स्क्वायर माइनस टू। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो पहले लिखा जाएगा माइनस सिक्स ए स्क्वायर, फिर माइनस टू ए, अब इसमें इसको घटा देंगे प्लस वन, ये हो गया आंसर। उसके बाद देखिए सी नंबर, देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री, तो वन प्लस टू प्लस थ्री, तो सी नंबर का लिख देंगे वन प्लस टू प्लस थ्री। देखिए वन में क्या है, नाइन एम स्क्वायर माइनस टू एम एन प्लस एन स्क्वायर। दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ है, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस क्या है एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन माइनस टू एन स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया गया है, तो इसको हम हल करेंगे। देखिए पहले लिख लेते हैं, प्लस है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, टू एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन माइनस टू एन स्क्वायर। ये देखिए उधर का है, इसमें नहीं लिखिएगा, ये हो गया। उसके बाद देखिए एम एम एम, तीन एम है तो इसको देखिए नौ नौ एक दस, दस एक ग्यारह, ग्यारह एम स्क्वायर। देखिए एम एन एम एन और क्या है, कहीं देखिए नहीं है तो ये इसमें, और इसको माइनस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस फाइव एम एन। अब देखिए एन स्क्वायर एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर तो प्लस टू एन स्क्वायर और माइनस टू एन स्क्वायर है। देखिए हो गया। आप देखिए ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ग्यारह एम स्क्वायर माइनस फाइव एम एन, इतना हो गया। देखिए सी का अब वियोग करने वाला, यहां ये पोर्शन करेंगे तो पहले क्या है, माइनस वन में टू करना है, तो वन माइनस टू, देखिए इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए वन में ये है तो इसको लिखेंगे नाइन एम स्क्वायर माइनस टू एम एन प्लस एन स्क्वायर, माइनस ये लिखना है। अब देखिए ब्रैकेट से बाहर करते हैं, टू एम एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए इसमें ये कट गया, इसमें से इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, आठ एम स्क्वायर माइनस टू एम, ये देखिए इतना हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए
टू में से थ्री घटाना है, स्पेस टू में से थ्री घटाना है, तो टू वाला देखिए क्या है, ये टू नंबर एम सॉरी एम ये हो गया, देखिए टू नंबर ये दिया हुआ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थ्री एम एन टू एन स्क्वायर, देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस थ्री एम एन माइनस माइनस प्लस प्लस एन स्क्वायर, ये कट गया, देखिए उसके बाद क्या होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एम एन, ये आंसर हो गया, इतना लिख दीजिएगा। देखिए 11 पेज 11 का कर दिया, 10 और 11 का हो गया कंप्लीट। अब चलेंगे 12 नंबर पेज में, देखिए लिखा है निम्न तालिका देखें और लिखें। पहले देखिए बीजगणितीय संख्या, जैसे कि वहां पे बीजगणितीय संख्या एक का दिया हुआ है और ये गुना करके दिखा दिया, ये गुना करके एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें बनाया हुआ है। अब भाग करें भी करके दिखा दिया गया है तो ये छोड़ दे रहे हैं, हम लोग बी नंबर से करेंगे। देखिए एक गुने दो, तो हम लोग करेंगे इसको गुना कर लेते हैं पहले, जैसे कि दिया हुआ है बी नंबर, उसके बाद भाग करें, पहले गुना कर लेंगे उसके बाद भाग करेंगे। देखिए पहला नंबर में जैसे दिया हुआ है गुना करें, गुना एक से दो को गुना किया ना, तो हम लोग एक गुने गुना करे वाला में दो ये गुना कर लेते हैं। एक में ये दिया हुआ संख्या देखिए, तो यहां पे संख्या लिखेंगे एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर से गुना करना है, तो इसको इस देखिए इसमें क्या होता है कि पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है गुना करने के पश्चात, गुना करने के पश्चात क्या होता है पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ेगा तो देखिए पहले क्या होगा एक्स फोर एक्स टू एक्स फोर, तो क्या हो जाएगा एक्स फोर प्लस टू माइनस फोर एक्स थ्री प्लस टू प्लस सिक्स एक्स टू प्लस टू। अब देखिए इसको कर दीजिए तो एक्स सिक्स माइनस एक्स फाइव प्लस सिक्स एक्स फोर, ये इतना हो गया, इतना करने से हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है, यहां पे बी का सी में भाग करें, क्या करें भाग करें, तो भाग करके हम लोग दिखाएंगे। देखिए यहां पे भाग कर देते हैं, वन में से भाग करना है टू को, वन में ये दिया हुआ है देखिए एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, भाग है तो इसको नीचे में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे सबके अलग अलग सबके साथ कर देंगे, तो अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स फोर एक्स टू माइनस फोर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स 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 कट गया, देखिए इसमें कट गया तो जो ठीक है, उसके बाद पावर घटा देंगे, पावर क्या करेंगे घटा देंगे एक्स फोर उसमें भाग में जैसे गुना में जोड़ दिए थे भाग में क्या करेंगे घटा देंगे, तो दो माइनस फोर एक्स क्यू माइनस टू प्लस सिक्स, तो घटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए सी नंबर करेंगे, सी नंबर में दिया हुआ है कि ये वन गुने टू, तो ये देखिए वन का समीकरण है और ये टू, तो लिख लेते हैं पहले हम लोग सी वन गुने टू, गुना करने का पोर्शन कर लेते हैं पहले, गुना कीजिए देखिए थ्री एम स्क्वायर एन क्यू प्लस फोर्टी चालीस एम स्क्वायर एम क्यू एन फोर माइनस फाइव एम फोर एन फाइव, इसको गुना कितना से करना है टेन से, गुना दस
एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, इसको गुना कर देंगे। देखिए जब गुना कर देते हैं, देखिए गुना करेंगे, दस से दस दिया तीस, तीस एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एन स्क्वायर एन क्यू तो एन क्यू प्लस टू, प्लस चालीस तो 400 हो जाएगा, चालीस से कितना हो जाएगा 400, तो 400 एम क्यू प्लस टू एन फोर प्लस टू माइनस 50, दस बचे 50 एम फोर प्लस टू एन फाइव प्लस टू। अब देखिए क्या करेंगे, 30 एम फोर एन फाइव प्लस 400 एम फाइव एन सिक्स माइनस 50 एम सिक्स एन सेवन, इतना कर दीजिएगा। देखिए अब भाग करें, देखिए यहां पे बी बी का ही ये भाग है, मैं सी बोल दिया था तो सी नहीं होगा, वहां पे बी ही होगा क्योंकि बी का ही सेकंड भाग है। इसमें देखिए एक भागा दो, एक में भागा देना है दो से, तो ये देखिए एक में एक का समीकरण लिख देंगे पहले। देखिए एक एम थ्री एम स्क्वायर एन क्यू प्लस 40 एम क्यू एन फोर फाइव एम फोर एन फाइव, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए भागा देना है किसे, एक से, एक में देना है टू से, तो टू का है 10 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसको देखिए भाग देंगे, थ्री थ्री एम स्क्वायर एन क्यू, नीचे दे देंगे 10 एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 40 एम क्यू एन फोर 10 एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 5 एम फोर एन फाइव 10 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, सब में ऐसे लिख लेंगे। देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, इसमें देखिए एम एम कट गया, अब देखिए नहीं कट, अब नहीं कटेगा तो इसको देखिए यहाँ पे एन थ्री है एन टू है, तो क्या करेंगे 3/10 और एन क्यू सॉरी यहाँ एन टू हो जाएगा प्लस 4 एम क्यू में टू कर देंगे, एन फोर है तो टू कर देंगे, फिर माइनस देखिए 2 तो 1/2 एम फोर माइनस 2 एन फाइव माइनस 2, इतना कर देंगे। इतना करने के पश्चात देखिए अब 3/10 एन प्लस 4 एम एन स्क्वायर माइनस 2 घटा दीजिए एम स्क्वायर एन क्यू, इतना लिख दीजिएगा, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए सी का बनाएंगे, गुना करें, देखिए सी नंबर का 1 × 3 2 है तो 1 × देखिए यहां पे लिखा हुआ है 49 एल स्क्वायर माइनस 100 एम स्क्वायर सेवन एल प्लस 10, इतना लिख लीजिएगा। इससे इसको कर देंगे गुना, 7 × 49 तो कितना हो जाएगा 343 एल एल तो एल स्क्वायर और एल तो एल क्यों हो जाएगा माइनस, इसको तो कर दीजिए माइनस 700
एम स्क्वायर एल। अब इसको इससे करेंगे, देखिए प्लस 490 एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम। अब इसको इससे कर दीजिए तो माइनस 1000 एम क्यू, ये इतना ही हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद दूसरा में है भाग करें, देखिए भाग करें, भाग करें में क्या वन भागा दो से करना है। तो इसमें देखिए सूत्र की सहायता से, पहले ही बोल दिया सूत्र की सहायता से करें, तो ये सूत्र दे दिया तो इसी की सहायता से करेंगे हम लोग। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे 49 लिख दिया है, 49 एल स्क्वायर और 100 एम स्क्वायर ये दिया हुआ है, और इसके नीचे में इससे भाग देना है 7 एल प्लस 10 एम। ठीक, इसको तो देखिए हल करेंगे, देखिए 49 का 7 होता है, 7 का स्क्वायर कर देंगे और ये 100 का है, 100 का 10 एम 7 एल प्लस, एक बार देखिए प्लस में एक बार माइनस में किया था वहां पे सूत्र में, तो हम लोग भी वैसे करेंगे। ये कट गया, देखिए ये और ये कट गया तो क्या बचा, ये बचा तो 7 माइनस 10 ना हो जाएगा। देखिए डी नंबर, एक गुने दो भाग, तो एक गुने दो एक गुने दो, देखिए क्या कर देंगे एक का लिख लेते हैं 625 ए फोर माइनस 81 बी फोर गुने 5 ए प्लस 3 बी। इसको हल कर लेते हैं पहले, देखिए इसको इससे गुना कर लीजिएगा, 25 5 2 15 10 10 2 12 एक 54 30 30 से 30 ये हो जाएगा। देखिए ए और ए फोर तो ए फाइव माइनस हो तो माइनस, 81 है देखिए 81 है तो 5 का 5 8 पंच 40 8 पंच 40 40 बी फोर ए और बी फोर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसे करेंगे गुना तो प्लस 5 या 15 15 का 1 अब 3 दुना 6 6 1 7 6 18। देखिए यहाँ पे ए फोर है तो ए फोर और ये भी बी दे देंगे, सो जिससे इसको गुना कर दीजिए माइनस तो 81 3 8 24 वी 5। देखिए यही आंसर हो गया। देखिए यहां पे भी दिया है भाग करें सूत्र की सहायता से, एक लिखा है समीकरण तो एक समीकरण को ऊपर में लिख देंगे पहले, और उसके बाद देखिए भाग दो लिखा हुआ है तो दो लिख देते हैं इसे, उसके बाद सवाल लिख देते हैं 625 ए फोर माइनस 81 बी फोर 5 ए प्लस 3 बी। इसको हल करेंगे हम लोग, देखिए 625 का कितना होता है वर्गमूल 25 ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे माइनस 9 81 का 9 बी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे देखिए 5 ए प्लस 3 बी। उसके बाद देखिए इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं एक बार माइनस में, 25 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर 25 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर।
फाइव ए प्लस थ्री बी। अब देखिए प्लस वाला को नहीं तोड़ते हैं, माइनस वाला को तोड़ते हैं खाली, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा देखिए 25 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर। इसको फिर करेंगे तो 5 ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर, 5 ए प्लस 3 बी। अब देखिए 25 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, थ्री बी। ये कट गया, उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा आप, 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गुना कर दीजिए 25 गुने 5 तो 125, 125 ए क्यू, प्लस 9 5 45, 45 ए बी स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, माइनस 25 दिया 75, 75 ए स्क्वायर बी, माइनस 27, 27 बी क्यू, ये हो गया आंसर। देखिए 7 सरल करें, एक नंबर देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसको हल करेंगे हम लोग। देखिए इसको पहले सबको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये कट गया, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, तो जीरो आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे, देखिए दूसरा नंबर ये है, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला में दिया हुआ है तो इसको इस पर कर लिख लेंगे। देखिए सेवन का दो नंबर ए प्लस बी ए माइनस बी, बी प्लस सी बी माइनस सी, प्लस सी प्लस ए सी माइनस ए। देखिए इसको क्या करें, फॉर्मूला में है ही तो इसको डायरेक्ट हम लोग तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। देखिए ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जीरो, इसका भी आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देखेंगे, देखिए सेवन का तीन नंबर, सेवन का तीन नंबर एक्स स्क्वायर गुने एक्स बट्टा वाई माइनस वाई बट्टा एक्स गुने वाई एक्स प्लस एक्स बट्टा वाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, सर्वप्रथम आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना दीजिए, इसको इससे, तो आप लोग का हो जाएगा। देखिए एक्स एक्स क्यू बट्टा वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई बट्टा एक्स, हो गया, ये गुना कर दीजिए, वाई क्यू बट्टा एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स बट्टा वाई। हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि ये देखिए ये सही है तो इसको रहने देते हैं,
इसको रहने देते हैं एक्स क्यू बट्टा वाई, यानी यहां कट जाएगा, कट जाएगा ना, देखिए तो एक घट जाएगा तो माइनस माइनस एक्स वाई ये घट गया इसमें। तो अब देखिए गुना ये तो वैसे ही रह जाएगा एक्स क्यू बट्टा एक्स, इसमें भी ये घट जाएगा प्लस एक्स वाई, इसमें इसको घटा दिया। देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे और इसको पहले इसको इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यू तो यहां हो जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू, अब नीचे भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई एक्स वाई। अब इसको इससे करेंगे माइनस एक्स वाई फोर वाई फोर, अब देखिए नीचे है एक्स तो एक्स लिख देंगे, अब देखिए इसको इससे करेंगे तो प्लस एक्स क्यू तो एक्स फोर एक्स फोर वाई, और नीचे में वाई है तो वाई लिख देते हैं। अब इसके साथ देखिए इसमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें घटा देंगे तो माइनस ये एक्स एक्स कट जाएगा ये वाई वाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा देखिए वाई फोर प्लस एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ये और ये कट गया तो क्या बचा एक्स फोर माइनस वाई फोर, तो लिख देंगे एक्स फोर माइनस वाई फोर, यही हो जाएगा आप लोग का आंसर, ये आंसर हो गया। देखिए सेवन का अब हम लोग करेंगे सेवन का चार नंबर, सेवन का चार नंबर, सेवन का चार नंबर या फोर नंबर ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, ठीक है ये लिख लेंगे उसके बाद इसका हल करेंगे हम लोग, ठीक है लिख लिए हैं और इसका हल करते हैं। ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, देखिए माइनस प्लस वाला कट गया ये माइनस प्लस वाला कट गया ये कट गया तो जीरो आंसर हो गया इसका। उसके बाद पांच नंबर देखेंगे, देखिए एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखिए इसको इससे कर देंगे माइनस वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कट रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वहां पर माइनस में यहाँ पे माइनस में वहां पर प्लस में, देखिए यहाँ पे भी प्लस में यहाँ पे माइनस है इसको इसको काट देंगे इसका भी हो गया जीरो। अब छठा नंबर देखिए, देखिए यहाँ पे छह नंबर दिया हुआ, ये देखिए छह नंबर करेंगे हम लोग सात का छह एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स क्यू जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, इतना लिखने के बाद देखिए इसको फार्मूला में तोड़ देंगे, किस में तोड़ेंगे फार्मूला में, फार्मूला में छह नंबर को तोड़ दीजिए, देखिए एक्स क्यू का स्क्वायर माइनस वाई क्यू का स्क्वायर, फिर इसमें देखेंगे प्लस एक्स क्यू का स्क्वायर माइनस जेड क्यू का स्क्वायर प्लस
जेड क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये हो जाएगा तीन दो ने छ, तो ये देखिए एक्स सिक्स वाई सिक्स प्लस वाई सिक्स माइनस जेड सिक्स प्लस जेड सिक्स माइनस एक्स सिक्स। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो कट गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो इसका भी जीरो हो गया। देखिए इस प्रकार हम लोग सेवन का पूरा कंप्लीट कर लिए। अब जो बच गया एट, एट से सिक्सटीन तक मतलब आठ से सोलह तक, वो अगले पार्ट में हल करेंगे। पहले पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, अगले पार्ट में एट से लेकर के सोलह तक, सिक्सटीन तक का पूरा समाधान करेंगे।